राम हमारे भाइयों। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या को आज हर कोई निहार रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन बुधवार को संपन्न होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य विशिष्ट अतिथि, साधु संत सभी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। चांदी के फावड़े से इस भव्य मंदिर की नींव डलेगी। रामलला की मूर्ति की पूजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस भव्य आयोजन को लेकर साधु संतों से लेकर हर कोई उत्साहित है। बुधवार के इस कार्यक्रम के साथ ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह दिलचस्प है कि भगवान राम और माता सीता का जब भी जिक्र आता है, आंखों के सामने दो ही चेहरे नजर आते हैं। एक है अरुण गोविल और दूसरी दीपिका चिखलिया। रामानंद सागर की रामायण में इन दोनों ने राम सीता के किरदार को इस कदर निभाया कि हर किसी के दिलों में बस गए। लॉकडाउन में रामायण दोबारा शुरू हुआ तो हर घर में राम धुन बजने लगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से टीवी की दुनिया के राम सीता भी बेहद खुश हैं। अरुण गोविल ने बुधवार सुबह ट्वीट किया, इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। श्री राम मंदिर के शिलान्यास से पूरी दुनिया के राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री राम। दूसरी ओर सीता माता दीपिका चिखलिया ने भी सुबह सुबह ट्वीट किया और लिखा, यह हर भारतीय के लिए एक महान जीत है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, राम का नाम जपते चलो। अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया ने इससे पहले मंगलवार को भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की थी। अयोध्या में मंगलवार शाम को सरयू के तट पर दिवाली जैसा माहौल था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। तब टीवी की सीता मैया दीपिका चिखलिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा, कल राम जन्मभूमि का शिलान्यास होगा। आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ। रामलला की घर वापसी हो रही। यह बेहद शानदार अनुभव होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिवाली इस साल जल्दी आ गई है। यह सब सोचकर इमोशनल हो रही। कल का इंतजार बेसब्री से है। दीपिका चिखलिया के अलावा टीवी के राम यानी अरुण गोविल ने भी मंगलवार को ट्विटर पर दो ट्वीट्स किए। उन्होंने लिखा, अयोध्या में राम मंदिर के लिए वर्षों तक लगातार संघर्ष करने वाले वरिष्ठ जन और आगे इस लड़ाई को भूमि पूजन तक लाने के लिए सभी राम भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबके महान प्रयासों से ही हमें ये दिन देखने का सौभाग्य मिल रहा है। जय श्री राम। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास की प्रतीक्षा समस्त मानव जाति कर रही है। अयोध्या में भूमि पूजन के साथ ही एक दिव्य युग का शुभारंभ हो जाएगा। जय श्री राम। जाहिर तौर पर राम मंदिर को लेकर पूरा भारत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ऐसे में उत्साह, खुशी और आनंद तीनों एक साथ हर भारतीय की नजरों में दिख रहे। भगवान श्री राम की, सीता माता की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।